नमस्कार, मैं सुजल दवे। गुजरात अभी असमंजस में है, कहीं पर ऑक्सीजन के लिए असमंजस है, तो कहीं बेड को लेकर, तो कहीं रेमडेसिविर को लेकर। आप तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर असमंजस में है, वहीं खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस बात को लेकर असमंजस में है कि तालाबंदी करे या ना करे। गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर ने विकास मॉडल को जैसे ही बेनकाब किया कि तुरंत लोगों की हालत पर चिंता जताते हाईकोर्ट ने सरकार पर फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट में सभी सीनियर एडवोकेट्स ने स्पष्ट कहा था कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 4 से 5 दिन की तालाबंदी जरूरी है, तभी एक कोरोना को नियंत्रण में लाया जा सकता है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार पर कड़े तेवर दिखाए थे। हाईकोर्ट के कड़े तेवर देखकर मुख्यमंत्री ने रात के कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी। पहले 9 बजे जो कर्फ्यू लगता था, अब 8 बजे लगने लगा है। मुख्यमंत्री ने छोटे दुकानदार और मजदूरों के हवाले से कहा था कि तालाबंदी आखिरी हथियार है, हमें मजदूरों की चिंता है, सभी संयमित रह के घर से तभी बाहर निकले जब जरूरी हो। इसके बाद भी कोरोना नियंत्रण में नहीं आया तो हाईकोर्ट ने दूसरी बार कड़े तेवर दिखाए। बीती 28 तारीख को हाईकोर्ट की आलोचना से मुख्यमंत्री ने तुरंत 29 शहरों में कड़े नियम कर दिए। अगर आप याद करोगे तो याद आएगा कि मुख्यमंत्री ने कहा था तालाबंदी तो नहीं है, पर जरूरी हो तभी लोग घर से बाहर निकले, आवश्यक चीजों के पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, होटल पार्सल सेवा दे पाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरे दिन व्यापारियों ने यह सोचकर दुकानें खोली कि तालाबंदी तो नहीं है, तुरंत प्रशासन और पुलिस काफिले में निकल पड़े और सारी दुकानें बंद करवा दी। यहां तक तो ठीक था, पर मुख्यमंत्री अपने आप को तालाबंदी से दूर कर रहे। वहीं दूसरी ओर बोटा से पुलिस अधीक्षक हर्षद मेहता का एक वीडियो बाहर आता है। अधीक्षक साहब क्या कह रहे, कह रहे कि नोटिफिकेशन है तो कोई दुकानें नहीं खोली जाएगी। देखिए ये वीडियो। बोटाद शहर अने नगरपालिका विस्तार ने जनता ने जणावानुं के नगरपालिका विस्तार में स्वैच्छिक लॉकडाउन थया बाद गत 28 तारीख थी सरकार श्रीनुं जाहेरनामुं छे। जे जाहेरनामुं हाल बोटाद शहर में अमल में छे। दिवसे पण अहींया वेचाण वगैरे दुकानों पानना गल्ला लारीओ आ बधा उपर प्रतिबंध छे। मात्र आवश्यक चीज वस्तुओं सिवाय नहीं तमाम गतिविधियों से ये हाल 5 तारीख सुधी आ जाहेरनामु अमल में छे। जेथी बोटाद शहर नी जनता ने जणावानुं के आ जाहेरनामु 5 तारीख सुधी अमल में रहेशे। साथे साथे रात्रि कर्फ्यूनुं पण जे 29 शहरोनुं जाहेरनामुं छे ए पण बोटाद शहर में अमल में होय आवती 5 तारीख सुधी आपणे जे रीते चाली रह्युं छे ए रीते चलावानुं रहेशे। आपत्ति है क्या? हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने पहले कह दिया है कि राज्य अपनी स्थिति के आधार पर तालाबंदी का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, जिसका सीधा मतलब था गुजरात चाहता तो 1 हफ्ते की तालाबंदी देकर कोरोना की चेन तोड़ सकता था। ये निर्णय लेने में वो स्वतंत्र है, फिर भी क्यों तालाबंदी नहीं की जा रही और स्वैच्छिक तालाबंदी पर जोर दिया जा रहा है? इसका सीधा मतलब है मुख्यमंत्री कोई निर्णय ले नहीं सकते, या तो वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। स्वैच्छिक तालाबंदी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर यहां पर मैं मुख्यमंत्री की वो दलील मान लू कि मजदूरों के हित में हम तालाबंदी नहीं कर रहे, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि तालाबंदी करके भी आप मजदूरों का ख्याल रख सकते हैं, अगर रखना चाहो तो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ऑटो चालक और टैक्सी ड्राइवरों के अकाउंट में 5-5 हजार देने की घोषणा की है, आप भी ये कर सकते थे, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्णय न लेने की वजह से आज गुजरात कोरोना के संक्रमित हो रहा है। अगर तालाबंदी नहीं है तो क्यों व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है? अगर यही हालत रहने है तो हम खुल के तालाबंदी की घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे? तालाबंदी से दूर रहने वाले मुख्यमंत्री क्यों स्वैच्छिक तालाबंदी पर जोर दे रहे? आज इसी विषय पर हम बात करना चाहते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ मितेश रावल, आम आदमी पार्टी से नितिन बारोट, कांग्रेस से चिमनभाई विजुदा और गुजरात हाईकोर्ट के एडवोकेट राजेश मिश्रा। आप सभी का स्वागत है। मिश्रा साहब, पहली बार आप मेरे शो पर आए हैं, आपका विशेष रूप से स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले आपके माध्यम से अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं कि तालाबंदी को लेकर जो सुओ मोटो हुई है कोरोना को लेकर, तालाबंदी को लेकर हाईकोर्ट में क्या चर्चा हुई थी और क्या परिणाम आया?
चर्चाओं सुजल भाई, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को नमस्कार मेरा। सुजल भाई, सबसे पहले मैं आपको जो ये रिट पिटीशन हुई इस पे आऊं, उससे पहले मैं बता दूं जो एक कंफ्यूजन भी रहता है, लाइक काफी लोगों का ये डाउट भी है, काफी मेरे फ्रेंड सर्कल में, इवन आपके भी रिलेटिव्स काफी पूछते होंगे कि कोर्ट्स इसमें क्यों डिसीजन या कोई फैसला नहीं ले पाती है। लास्ट पॉइंट पे आके आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया था और कहा था पांच बड़े शहरों में बनारस कानपुर वहां पे लॉकडाउन कर देना चाहिए। अगले दिन ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सुप्रीम पहुंच गई थी और स्टे ले लिया था उस पर, ठीक है। तो ये बंधारण जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है, मैं आपको उसका एक एंगल बताना चाहूंगा कि कोर्ट्स कभी भी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएगा। ये काम है लेजिस्लेचर का या जो कायदे बना रहे हैं, जैसे हमारा गुजरात गवर्नमेंट हो गया या केंद्र में हमारा पार्लियामेंट लोकसभा हो गया, ठीक है। तो यही कारण है कि कोर्ट्स इस पे फैसला नहीं ले पा रहे, वो सिर्फ कह सकते हैं कि भाई लॉकडाउन आप कर दीजिए। अब मैं आता हूं गुजरात हाईकोर्ट में जो सुओ मोटो पिटीशन खुद चीफ जस्टिस सर ने, विक्रमनाथ सर ने एंड शुरू की, मतलब हाईकोर्ट ने कहा तो था ना कि लॉकडाउन चार या पांच दिन के लिए भी लॉकडाउन कीजिए ताकि चेन तोड़ी जा सके। हाईकोर्ट ने कहा था क्या? मैं थोड़ा दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहता हूँ। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, ये मैटर आपको याद होगा, ये फर्स्ट डेट इसकी 12 अप्रैल थी और उसके बाद एक एक वीक के बाद इनकी डेट्स रखी गई है। तो हाईकोर्ट ने नहीं, जितने भी सीनियर एडवोकेट अपियर हो रहे थे, आपको याद होगा सीनियर एडवोकेट परसी कवीना सर है जो गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से चीफ जस्टिस ने कहा था कि रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी आपको पॉइंट्स बोलने हैं उन्हें बता दीजिए, वो हाईकोर्ट में रख देंगे। और उसके बाद अलग अलग पिटीशन उसमें लगी, एप्लीकेशन लगी, तो उसमें सीनियर एडवोकेट शालिन मेहता ने ये बात कही थी कि लॉकडाउन होना जरूरी है। तो जिसपे चीफ जस्टिस विक्रमनाथ सर ने और जो कारिया सर है एक और जज उनके साथ थे, डिवीजन बेंच इस मैटर को सुन रही थी, तो उन्होंने कहा था कि वो पॉइंट हमारा नहीं है, वो सरकार को डिसाइड करना है। और सीनियर एडवोकेट शालिन मेहता का यही कहना था कि जब तक आप इस लॉकडाउन को इम्पोज नहीं करोगे स्ट्रिक्टली, क्योंकि वो उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा था कि जनता मानने वाली नहीं है, जनता को अगर ऊपर से ऑर्डर स्ट्रिक्टली नहीं आएगा, जनता घूमने वाली है ना मास्क पहनने वाली, आप कितना भी फाइन इम्पोज कर दीजिए। तो उन्होंने काफी इंसिस्ट किया था कि अगर लॉकडाउन नहीं भी करना है तो एटलीस्ट कंसिडर करिए। तो जिसपे जो हमारे एजी हैं एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी सर, जिन्होंने वो साइलेंट थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, बिकॉज ये भी एक रीजन हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन हमारा लास्ट विकल्प होना चाहिए। बिल्कुल, बट जो सिचुएशन सुजल जी बन रहे हैं वो आप जान ही रहे हैं, यही एकमात्र रास्ता बच रहा है। और एक मैं पॉइंट और बोल दूं कि गवर्नमेंट को शायद ये धारणा बनी हुई है कि लॉकडाउन हो जाएगा तो उससे, जैसा कि आपने अपने वो इंट्रोडक्शन में भी कहा कि उससे लोगों के लाइवलीहुड या रोजी रोटी पे फर्क पड़ेगा, तो उस चीज का ख्याल रखा जा सकता है। आपने देखा होगा काफी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने वो स्टेप्स को लिया है। तो और दूसरा एक पॉइंट जो गवर्नमेंट, जिस तरह आपने कहा कि अभी, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव अगर इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा कि एकमात्र आप ये मत सोचिए कि चेन द ब्रेक इज द ओनली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, वो अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस दौरान आपकी तैयारियां भी आप काफी कर पाओगे, जिस तरह वैक्सीन प्रोडक्शन की बातें चल रही है, वही एकमात्र सॉल्यूशन है हमारे पास इस चीज का। तो उस लॉकडाउन के तहत आप उस चीजों को इंपोर्ट कर सकते हो दूसरी कंट्री से, और हमारे पास जो कोवैक्सीन कोविशील्ड है वो तो उसका भी प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर सकते हो। और जैसा आपको पता होगा हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी जो एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है, कि आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग पे भी सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, तो उन चीजों को भी ये लॉकडाउन के दौरान कंसिडर किया जा सकता है। और एटलीस्ट जो मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने बताया था के न्यूज को कि जो पैंडेमिक फैटिग हम डॉक्टर्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, उन्हें भी थकान है पिछले दो साल से काम करते करते। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक एक करके हम चर्चा करेंगे, लाइक जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सीनियर एडवोकेट्स थे जो इस प्रेफरेंस इस साइड इंक्लाइंड हो रहे थे कि आपको एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 8 दिन का लॉकडाउन ही सही, बट करना चाहिए चेन को रोकने, ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अभी मितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं जब से ये सुओ मोटो पिटीशन दाखिल हुई और खास करके नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है, तब से मैं मितेश जी को बड़ा नजदीकी से अध्ययन कर रहा हूँ। वो ज्यादातर अपने आर्टिकल या उनके मैसेजेस या मुझसे जो बात करते हैं, मैंने देखा है कि वो नाइट कर्फ्यू के बारे में अपना एनालिसिस करते हैं। तो मिसेस जी, आज आप यहाँ पर मौजूद है तो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा, क्या वाकई कोरोना की चेन तोड़ना, नाइट कर्फ्यू के आधार पर खड़े रहकर इस युद्ध को जीता जा सकता है? नमस्कार सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों से, आपको भी
मैं ये नाइट कर्फ्यू को इसलिए इतनी नजदीक से देख रहा था क्योंकि जब पहली वेव आई थी उस वक्त तो ठीक है कि हम लोगों ने पूरे नेशन में लॉकडाउन कर दिया। ये जो नाइट कर्फ्यू का फंडा जो आया था वो यूएसए की बड़ी बड़ी तीन सिटीज से आया था, लाइक न्यूयॉर्क की, न्यू जर्सी से, ऐसी सिटीज से। हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर सोचते हैं तो ना भारत की एक या दो बड़ी सिटीज को छोड़ दो, वहां भी इतनी नाइट क्राउडिंग होती नहीं है। एक है मुंबई छोड़ दो और छोड़ दो कि दिल्ली, अब चेन्नई को भी इसमें इंक्लूड नहीं कर पाओगे, अहमदाबाद को भी। अहमदाबाद वी पीपल्स आर नॉट नाइट पीपल्स, हम लोग दिन में काम करने वाले, दिन में एंटरटेनमेंट भी लेने वाले और दिन में ही पूरी जिंदगी जीने वाले लोग हैं। अब अहमदाबाद में शायद पूरे अहमदाबाद की 1 या 2% या 3% उससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि कोई पॉपुलेशन रात को 9 या 10 बजे के बाद आपको बिना किसी काम के घूमते हुए देखने मिलेगा। ये हमारा नेचर है। अगर आप अलाउ करें और यहाँ पर रुक जाए तो मैं आपको बता दूं कि नाइट कर्फ्यू करके क्या हो रहा है कि जो नौजवान दिन भर रोजगार की खोज में शहर में दर बदर भटकता है वो रात को चाय की किटली पे या अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है और अपनी पीड़ा जाहिर करता था, वो बंद हो गई है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाए। जी मितेश जी, मैं इसी पे आने वाला था। आप देखते जाओ कि हुआ क्या कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ना ज्योग्राफिकल कल्चर वाइज देखने के बाद इंप्लीमेंट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ इंप्लीमेंट किया तो हमको कर देना है, क्योंकि हमारा कल्चर उनसे बहुत अलग है। उनका जहाँ हमारा हम लोग जहाँ सोने की तैयारी करते हैं, मैं डे नाइट के वजह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए नाइट जो है ना वो उनके लिए मेन है। वो लोग पूरा एंटरटेनमेंट, आप न्यूयॉर्क चले जाओ, न्यूजर्सी चले जाओ, वहाँ पूरी रात दुनिया वो लोग जीते। हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। आप मुंबई को शायद उसमें थोड़ा इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि वो एक थोड़ा इंडिया का फिनेंशियल हब है। नाइट कर्फ्यू उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए। बिल्कुल, उसके सबसे एक दूसरा शायद मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उससे शायद ये चीजें बड़ी है। क्यों, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा, पूरे दर्शकों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि दो तरह के लोग होते हैं हमारे वहां पॉपुलेशन में। समझ लो कि 70% पॉपुलेशन ऐसी है, बड़ी सिटीज की बात कर रहे हैं हम लोग, 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो दिन में शॉपिंग या अपनी पूरी जितनी भी शॉपिंग है या जो भी करना है वो दिन में कर लेते हैं। और 30% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो शाम को 6 बजे या 7 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉपिंग या मॉल्स में या सब जगह पे जाते हैं। होता क्या है कि आप जब नाइट कर्फ्यू इंप्लीमेंट करते हो, आपने शायद उसका टाइम 7 PM या 8 PM किया, तो जो 30% पॉपुलेशन रात को निकलती थी वो भी दिन में निकलनी शुरू हो गई, क्योंकि उनको भी जो जीवन जरूरियात की जो भी चीजें लेनी है वो तो फिर लेनी तो है ही है, लेकिन वो लोग शाम को 7 के बाद निकलते थे। वो 30% पॉपुलेशन भी दिन के क्राउड में इंक्लूड हो गई। उससे हुआ क्या कि जो भी जीवन जरूरी चीज है, कि जो समझ लो मॉल है या सुपरमार्केट से, वहां आपकी 100% पॉपुलेशन, जो भी शॉपिंग की पॉपुलेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो दिन में दिखनी शुरू हो गई। हमारा बेसिक बेसिक फंडा क्या था, सोशल डिस्टेंसिंग। तो यहाँ तो क्या हुआ कि जो स्कैटर्ड होना था, आपका कस्टमर स्कैटर्ड होना था, उसकी जगह पे पूरा कस्टमर एक टाइमिंग में आ जाता है। और होता क्या है कि आपका 7 PM को नाइट कर्फ्यू शुरू होता है तो आपका कस्टमर 5 PM या 5:30 PM को तो मार्केट छोड़ने की तैयारी करेगा, वो भी करेगा और बिजनेसमैन या ट्रेडर भी करेगा। तो पूरा मार्केट आपका दिन का 10 सुबह 10 से लेके 7 बजे तक का पूरा 100% क्राउड उसमें इकट्ठा होगा। पूरे मार्केट में शायद वो होलसेल मार्केट हो या रिटेल मार्केट हो, मॉल्स हो और कोई भी एंटरटेनमेंट की जगह हो, होटल्स रेस्टोरेंट्स हो। उसकी वजह से ना सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात, जिस फंडा की वजह से हम लोग कर्फ्यू लगा देते, उसका रिवर्स हो गया। और उसी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम लोग एक वर्ड यूज करते, मतलब कहने का प्रयत्न ये है कि इसे केस बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। केस बढ़ सकते हैं ना, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग रही कहां, क्योंकि कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करनी है, अपना काम खत्म करना है। आपका शॉपिंग क्राउड, एक ही एक लाइन में बता दूं, आपका शॉपिंग क्राउड जो टोटल 15 आवर्स में स्कैटर होता था, वो टोटल अब 8 आवर्स में इंक्लूड होगा, है ना पूरा क्राउड। तो उससे तो क्या हुआ कि हर जगह पे आपको भीड़ भाड़ देखने शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक ठीक। और दूसरी एक चीज, दूसरी एक चीज मैं बताऊं जी,
नाइट कर्फ्यू जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ना उसके साथ साथ आपको ना आपके लोगों को कन्विंस करना होता है कि नाइट कर्फ्यू के अलावा हम दूसरा कोई लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे फिर भी आपको कन्विंस करना है, अगर नहीं लगाना है फिर भी आपको कन्विंस करना है। उसके लिए आपको ना मीडिया का यूज करना हो या किसी कोई भी यूज करना हो। लेकिन हुआ क्या है कि वो सरकार और जनता के बीच का जो विश्वास का समन्वय है उसके आधार पे होता है। ये कम्युनिकेशन गैप, हाँ, ये हाँ, जो गैप है ना इसी गैप की वजह से इसी क्योंकि सरकार में जो है, सरकार में क्या है कि एक शासक पक्ष का कहीं कहीं छोटा सा एमएलए भी कहीं छोटा सा स्टेटमेंट दे दे कि लॉकडाउन की जरूरत है, फिर भी उसकी इम्पैक्ट लोगों पे पड़ जाती है कि लॉकडाउन आ रहा है। और ये जो आ रहा है जो बात है ना उसकी वजह से ना ज्यादा भीड़ बाजार में लगती है। चिमन भाई है यहाँ पर, चिमन भाई है। चिमन भाई आप भी पहली बार मेरे शो में आए, विशेष रूप से आपका स्वागत है। मिश्रा साहब ने भी कह दिया है और अरावल साहब ने भी कह दिया है, दोनों की जो पहले राउंड की प्रतिक्रिया है कुछ इशारा कर रही है कि लॉकडाउन जरूरी है, चैन तोड़ने के लिए अभी हाल फिलहाल जो हथियार है उसमें एक आंशिक लॉकडाउन ही सही, लेकिन 100% होना चाहिए, ये कागजी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। और जो खेल खेला गया है लॉकडाउन के नाम पर कि मुख्यमंत्री आके बोल रहे हैं कि कोई लॉकडाउन तो है नहीं लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, और दूसरे दिन प्रशासन सारी दुकानें बंद कराता है, ऐसा नहीं, क्लियर कट के लॉकडाउन यानी लॉकडाउन जो हमने 2020 में गुजारा था छोटा ही सही। तो आप क्या देख रहे, खुद एक विपक्ष के रूप में आप आए हैं आज, मुख्यमंत्री लॉकडाउन की हिसाब में कहां गड़बड़ी कर रही या कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, आपको क्या उनकी राजनीतिक कोई मजबूरियां नजर आ रही है क्या? जी नमस्कार सुजल जी, जी सबसे पहले तो लॉकडाउन अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं तो उसकी वजह से होना ही चाहिए। और सरकार क्यों नहीं कर रही है, जब 500 केसेस थे, 500 लोग संक्रमित थे तब आप अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आवाज बंद हो गई आपकी जब जरूरी है कि भी लॉकडाउन को तो ये चेन को तोड़ना जरूरी है आज के दिन पर, तब आप लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। और जो भी करवा रहे हैं कि बाय फोर्स आप कर्फ्यू लगा रहे हैं रात को और दिन को भी क्या करते हैं, बाय फोर्स आप लोगों की दुकानें बंद करवा रहे हैं। अरे भाई आप लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे, आप लॉकडाउन कर ही दो, क्या वजह है, क्या मजबूरी, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि उनकी क्या मजबूरी है। जब पहले ऐसा था कि लोगों को पता नहीं था, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई जब उस टाइम ऐसा था कि भाई लॉकडाउन की क्या क्या इफेक्ट पड़ेगी वो पता नहीं था, तब हमने लॉकडाउन डाल दिया है। आज सब लोगों को पता है कि भाई कभी भी लॉकडाउन हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जहां रहता हूँ गांधीनगर की बात करती हूँ तो 70% जो मजदूर लोग है वो चले गए है, यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि हमारा हमारा जो कॉर्पोरेशन का भी गार्डन का और सब कुछ काम चल रहा है। तो मैंने कल ही फोन किया था कि क्यों ये काम बंद हो गया, तो बोले कि अभी मजदूर ही नहीं है, जब मजदूर नहीं है तो कैसे हम करेंगे। तो ये जनरली तो मैं मानता हूँ 70% से 80% लोग तो चले गए जो काम करने वाले हैं, फिर आप क्यों लॉकडाउन नहीं डाल रहे हो। मैं मानता हूँ सरकार को सिर्फ यही चिंता है कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो लोगों को खाना देना पड़ेगा या सुविधाएं देनी पड़ेगी। अरे भाई पहले भी आपने नहीं दी थी तो उसमें भी कोई बढ़िया ऐसी सुविधा दी नहीं थी जितने लोगों को भी दी थी। तो आज क्यों लॉकडाउन नहीं कर रहे। मैं तो मानता हूँ इनका जो इलेक्शन का फंडा था वो अभी खत्म हो रहा है, अभी अभी शायद आएगा लॉकडाउन में, आप लिख के रखो कि लॉकडाउन अभी आएगा, क्योंकि इनको इलेक्शन करना था। इन लोगों को ये ऐसा है कि भाई लोगों को का जो होना है हो, हमारा हमारा जो है भाजपा का राज चलना चाहिए, और हमें जो करना था वो करने गए मगर उसमें भी सफल नहीं हुए। मैं तो उनको ये विनती करता हूँ विपक्ष के नाते कि भाई साहब आपको राज करना है तो हम ऐसे बोलते, सामने से बोलते करो जितना भी करना हो करो, मगर लोगों को अभी जो बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, इंजेक्शन जो नहीं मिल रहे उसकी वो सुविधाएं दो आप, आपको जो भी करना राज और भी 5 साल नहीं 10 साल और करो, मगर मानवता जैसा तो कुछ रखो आप। ओवरऑल तो ठीक है जीवन भाई, आपकी तीखी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी थी जो आपने दे दी, लेकिन एक सवाल आपके ऊपर भी हो जाता है, सरकार चलाना केवल जो सत्ता में उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जनता का ध्यान रखना,
केवल सरकार में बैठे लोगों का काम नहीं है, ये विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका तय करती है। आप लोगों ने कोरोना में क्या किया मुझे बताइए, आपकी अच्छा। विपक्ष ने क्या क्या काम किया? केवल सरकार की आलोचना ही किए, टीवी चैनल पे आके आप बोल रहे हो, मुझे बताइए, कहीं मुझसे चूक हो गई हो, छूट गया हो, तो मेरे दर्शक भी जान ले, बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप लॉकडाउन के बारे में अभी बोल रहे, क्या सरकार को आप लोग मिले? लॉकडाउन को लेकर गंभीरता सरकार के सामने आप लोगों ने रखी? आप रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने कितना मुहैया कराई? चलिए उस पर आपको एक छूट मिल जाती है कि नहीं, वो कानून के खिलाफ है, तो आप कितने अस्पताल में गए कि मरीजों का सही इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने डॉक्टरों के अभिप्राय लिए? थोड़ा आप अपनी भूमिका स्पष्ट कर दीजिए। मैं कर देता हूं। आपने सही अच्छा सवाल बढ़िया उठाया है। पहली बात तो है कि न हम लोगों को इंजेक्शन ला के दे सकते हैं, न ऑक्सीजन दे सकते हैं, हाँ बेड मुहैया करा सकते हैं। बताओ रेमडेसिविर सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार के नियम है। ऑक्सीजन आज आम आदमी भी कहीं से जुगाड़ करके ऑक्सीजन भी किसी को सुनो, मैं वही बता रहा हूँ आपको शायद पता हो ना हो, नहीं हो, जितने भी ऑक्सीजन प्लांट है उस सबको सरकार ने ले लिया है। अहमदाबाद देखो, गांधीनगर देखो, तो सरकार के बंदे नुमाइंदे वहां बैठे हैं और किसको ऑक्सीजन देनी है नहीं देनी है वो तय करते हैं। अहमदाबाद की बात करो तो कॉरपोरेशन ने एक लिस्ट जारी की है कि कौन सा जो बंदा है, अधिकारी जो है, वहाँ कौन सी प्लांट पर बैठेगा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ चिमन भाई, आप समझिए, मैं आपकी बात से सहमत, आप पूरा कर लीजिएगा, पर आपने बोला कि वहां बंदा बैठा है सरकार का, वो तय करेगा, तो यही तो विपक्ष की भूमिका है कि निर्णय बदलाइए। अगर जनहित में कोई निर्णय लाना है तो यही तो विपक्ष की भूमिका होती है भाई। सुजल जी मेरी बात तो सुन लो पहले, आप कर लीजिए, खत्म कर लीजिए अपनी बात। हाँ, फिर आप बताना। तो हमने कलेक्टरेट में जाके जो इंजेक्शन प्राइवेट में जो दाखिल है उनको पहले ऐसा था कि भाई वो लिस्ट भेजेंगे तभी कलेक्टर उससे मंजूर करेंगे, तो वो जो चीज थी वो हमने 15 दिन बैठ के हमारे MLA यहाँ के सीजे चावड़ा, मैं और हमारे अध्यक्ष जो है, उन्होंने बैठ के 15 दिन जितने लोगों की कॉल आई कि ये हॉस्पिटल में ये लोग भर्ती है और इनको इंजेक्शन अभी नहीं मिले हैं, तो कलेक्टर के साथ बैठ के सुबह में 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हमने ये काम किया। और मेरी पर्सनल बात कर दूं तो मैं जो वार्ड से खड़ा हूं और जहां जहां लोग संक्रमित थे, जो घर में पॉजिटिव केस आया है, वहां मैंने मेरे बंदे लगा के, कॉर्पोरेशन ने मुझे मना कर दिया कि भाई सैनिटाइज करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, आप अपने आप से जुगाड़ करो, तो मैंने मेरे बंदे लगा के जहां भी पॉजिटिव केस आए मेरे वार्ड में पूरे में, वहां उसके घर को सैनिटाइज किया, किसी का भी कॉल आया या नहीं आया नहीं, जाके खुद पूछा है कि भाई यहाँ कोई पॉजिटिव है, और जाके आपको, आप वार्ड नंबर 6 है मेरा, सेक्टर आता है 12, 13, 14, 15, 16, 17 गोकुलपुरा फतेहपुरा, आप जांच भी कर सकते हैं। ठीक, क्यों? ठीक। कि मेरी जो ड्यूटी है एक विपक्ष के नाते, एक कॉर्पोरेटर के नाते, वो मैंने की है, मगर क्या हम ऑक्सीजन तो किसी को नहीं दे सकते, इंजेक्शन तो नहीं दे सकते, बेड तो नहीं दे सकते, बेड है ही नहीं सब जगह पे। तो आप जब विपक्षी बात कर रहे हैं तो, और जिम्मेवारी सबसे पहले बनती है जो शासक में बैठे हैं उनकी, क्यों कि ये एक साल से चल रहा है, उनको पता नहीं था कि भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, बेड की जरूरत पड़ेगी, इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो अभी जब वो फेल है तो उसका ठिकाना, मुझे तो बहुत ताजुब ये बात का होता है कि जो भी आता है विपक्ष की भूमिका क्या है। अरे भाई, जिस जो सत्ता में बैठे उसको तो पूछो पहले, एक साल तक क्या किया? अभी सत्ता वाला तो आ जाए नहीं, अभी अब तो वो सवाल रह ही गया, वही तो मैं उनकी पॉलिसी है लॉकडाउन पे, वो कोई चर्चा करना चाहते ही नहीं है। ठीक है, करना चाहते हैं वो सत्ता में, वो तो आप ही उनसे पूछिए, मैं भी पूछ रहा हूँ, वो पॉलिसी मॉनिटर, अब वो आए नहीं तो उनसे पकड़ के तो मिला नहीं सकता हूँ, मैं निमंत्रण दे सकता हूँ। आज लॉकडाउन की सही में मैं पॉलिटिक्स को साइड में रख के एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन आज एकदम जरूरी है, क्योंकि मैंने मेरे सामने जो बंदे मरते हुए देखे हैं ना, और उनको पता भी नहीं है, 1 घंटे के पहले बात हुई है और वो बंदा चला जाता है, तो कहने का मतलब ये जो दूसरा वाला जो है बहुत खतरनाक है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि भाई मुझे है कि नहीं पॉजिटिव, और मैं 4 दिन ऐसे ही रहता हूं तो वो मेरे फेफड़े में चला जाता है और 2 घंटे में तो आदमी खत्म भी हो जाता है। इसलिए सबको भी एक मेरी विनंती भी है कि भाई देखो, बाहर निकलना बंद करो, कमाई होनी हो तो होगी, कल कहीं से भी जुगाड़ करेंगे, खाना पीना जो भी है पैसे का भी, मगर आज का दिन ऐसा है कि पता ही नहीं चलता आदमी को कि कब उसके साथ क्या हो गया।
तो बहुत सारे चले, मेरे मेरा जो एरिया हाँ, है मैं आता हूँ चिमन भाई, आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा, पर्याप्त समय सबको दे दिया जाएगा। मेरे शो की एक विशेषता ये है कि आराम से आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते, बड़े शिस्त वाले पैनलिस्ट होते हैं मेरे वहाँ। नितिन भाई काफी समय से हमें धैर्य से सुन रहे थे, नितिन भाई आपका विशेष मैं आभार व्यक्त करता हूँ और माफी चाहता हूँ कि आखिर में आया हूँ, लेकिन आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर फौजी कह रहे, डॉक्टर रंजीत गुलेटिया कह रहे कि कम से कम 3 या 4 हफ्तों का लॉकडाउन देश में जरूरी है। मैं देश की बात छोड़ देता हूं, हम गुजरात में बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो मैं गुजरात की बात करो, आपको क्या लग रहा है क्यों गुजरात में लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन है पर कागज पर नहीं है, प्रशासन की जो हुकुमी पे लॉकडाउन है तो वाकई घोषणा क्यों नहीं हो पा रही कि लॉकडाउन में हम सबको रख दिया गया है, आज से तालाबंदी शुरू होती है, आपको इस तरह से रहना है जैसे हमने 2020 में सुना था, इस दिशा में हम क्यों नहीं जा रहे, आप क्या महसूस कर रहे? सुजल भाई आपका धन्यवाद, ये जो टॉपिक चुना है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इस बात को लेके काफी बार आपके यहाँ पे डिबेट हुई, काफी दूसरी मीडिया चैनलों में भी हमारी राइट में डिबेट में ये चर्चा होती रहती है कि गुजरात में लॉकडाउन होना चाहिए। पर जो आपने अभी जो चिमन भाई ने भी बात की, मितेश भाई ने भी बताया और वकील साहब ने भी बताया, उस हिसाब से सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही है। सरकार को यह है कि हम लॉकडाउन कर देंगे तो कितने लोगों को रखना पड़ेगा, उनको राशन देना पड़ेगा, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, ये उनको कहीं ना कहीं डर है। दूसरा, अपने यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो आपातकालीन, मतलब ये जो स्थिति है ना, ये पूरे विश्व में भी बहुत गंदी परिस्थिति है, उस चीज को भी अपने देश में भी इसको आपातकालीन जैसी स्थिति है, और इसीलिए उनको सर्वदलीय बैठक, सभी पार्टी लोगों को बुला के जो वॉलंटियर है, जो सेवा करना चाहते हैं, उनकी एक फौज बनानी चाहिए और सबको जिम्मेवारी देनी चाहिए कि आप लोग ये ड्यूटी में जाओ। और ये सब करने के बजाय लॉकडाउन भी नहीं दे रहे, फिर रात को उनको मालूम है कि 8 बजे ही कर्फ्यू लगता है, क्योंकि 8 बजे ही कोरोना आता है, उन्होंने कहीं से ढूंढ के निकाल लिया होगा कि 8 बजे ही कोरोना आएगा, लेकिन जबकि भीड़ ज्यादातर रहे, आप देखो अहमदाबाद में काफी जगह छोटे सिटी में भी शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ही ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि 8 बजे कर्फ्यू लगने वाला है और 5 बजे शॉपिंग करने जाएंगे तो भीड़ उसी टाइम पे इकट्ठी हो जाती है। उसकी बजाय इन्होंने तबक्कावार करना चाहिए था लॉकडाउन पहले से कम, अभी सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, हाई कोर्ट बोल रही है, कोविड टास्क फोर्स भी बोल रही है कि भाई ये लॉकडाउन जरूरी है। अपने जो अच्छे अच्छे डॉक्टर जो है जो कोविड सर्विस में है वो भी बोल रहे हैं, अच्छे जो वकील है, जो जानकार है, जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, वो भी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन चाहिए, लेकिन किसी की बात नहीं सुन, उनको सिर्फ उनकी पड़ी है वो, उनको मतलब मैं तो ये बोलूंगा गुजरात में जो मुख्यमंत्री है वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं यार। अभी इतनी आपात, आपको जनता ने मुख्यमंत्री बना के बिठाया है, आप थोड़ा डिसीजन लीजिए गुजरात की फेवर में, आके आप ऐसा डिसीजन लीजिए कि गुजरात की जनता इसमें से बाहर निकल पाए, क्योंकि आपने जैसे अभी मितेश भाई ने भी बताया रात को 8 बजे के बाद वही लोग निकलते हैं अहमदाबाद जैसे, नहीं गुजरात में भी रात को कोई बहुत मतलब 1% से कम लोग घूमने निकलते हैं, लेकिन दिन में ज्यादा होते, कम से कम 10 दिन, 7 से 10 दिन का स्ट्रिक्टली लॉकडाउन होना, तो गुजरात में ये परिस्थिति काफी काफी हद तक सुधर सकती है और इसके लिए लॉकडाउन होना जरूरी है। ठीक है जी जी, धन्यवाद नितिन जी। मिश्रा साहब फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा, अब जो सारे पैनलिस्ट को करीबन आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, जो प्रतिक्रियाएं सबने दी, अगर मैं उसका एक समरी आपको दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेने में कमजोर पड़ रहे, वजह वो ही जाने, अब उनके प्रवक्ता है नहीं तो उसकी विस्तार से चर्चा करना बेकार है, जब वो है नहीं तो आलोचना क्या करना। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री कोई निर्णय नहीं ले पा रहे तो मैं आपसे थोड़ा ये समझना चाहता हूं, क्या हाईकोर्ट या कोई अदालत कोई डिसीजन, जैसे इलाहाबाद ने लिया था, कोई डिसीजन ले सकती है क्या? परिस्थितियां तो वही है, भयावह परिस्थितियां है, जो उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां है वही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आप भी जानते हैं कि आंकड़ों पे खुद हाईकोर्ट अपनी शंका व्यक्त कर चुकी है, हाईकोर्ट को ही डाउट है कि जो आंकड़े हमारे सामने रखे जाते हैं, जनता के सामने कोरोना के रखे जाते हैं, वो संदेह में है, वो सही है ऐसा हम नहीं मानते, हाईकोर्ट ऐसा कह रहा है कि लोग कह रहे हैं ऐसा, तो अगर असल है तो क्या होंगे। पर मैं इस चीज को आपको आपके सामने रखूंगा
कि अगर उत्तर प्रदेश का वो हाल है तो गुजरात का कहीं ठीक नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन लेके 5 जिलों के अंदर लॉकडाउन रख सकती है तो गुजरात में अगर ऐसी परिस्थिति आई तो हाईकोर्ट की क्या भूमिका होगी? सुजल भाई, मैं आपको इसका एक अलग से एक एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। आपको पता है 2020 जो हमारा आईपीएल है वो भी सस्पेंड हो गया है। आपको याद होगा कई मैचेस में आपने नोटिस भी किया होगा, जो फर्स्ट हाफ होता है वो कई टीम का अच्छा होता है, सेकंड हाफ गलत तरीके से चला जाता है। सेम चीज हमारे देश के साथ भी हुआ है और ऑफकोर्स गुजरात इज अ पार्ट ऑफ इट। तो आपको पता होगा फर्स्ट जो वेव आई थी इस कोरोना के हमारे देश में, आपको पता है फर्स्ट वेव कंपैरेटिवली हम कहेंगे काफी इट वाज अंडर कंट्रोल। और उसका मेन रीजन अगर आप जब भविष्य में आगे बढ़ेंगे हम और अगर आप रीजन ढूंढेंगे ना, तो टाइमली लॉकडाउन था जो हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया था। तो पहला पॉइंट तो वो। दूसरा जो सिचुएशन बनी हुई है, जैसे आपने कहा इस चीज पे हाईकोर्ट ने बड़ा क्लियर बोला है कि नंबर्स आर अंडर रिपोर्टिंग, ये क्लियर है। एंड ये सिर्फ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा, ये जितने भी इंटरनेशनल लाइक जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इस बात को बोल रहा है कि रिपोर्टिंग लाइक अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। पॉइंट नंबर थर्ड, ये चीज तो आप नोटिस भी कर सकते हैं। आप अगल बगल में जो भी ओडा या हमारे कॉर्पोरेशन के जो शमशान घाट्स हैं, आप वहां चले जाइए, आप अस्पतालों के बाहर चले जाइए, आपको पता पड़ जाएगा कि रिपोर्टिंग कितनी सही हो रही है। पॉइंट नंबर फोर, मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ धीरे धीरे करके, पहले मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूं, जो इनडिसीजन की बात है मुझे ऐसा लगता है वो काफी अपेरेंट है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि डिसीजन नहीं ले पा रही है, जबकि ये ले चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपके हाथ से चीजें चली गई तो सोचिए जो चीज कंट्रोल में है आप नहीं सोच सकते हमारे देश में ये एक्सपोनेंशियल राइज बन सकता है। अभी भी अगर आप चार्ट्स को देखें कोविड केसेस के, तो बहुत सॉलिड इंक्रीज हो रहा है। और जैसा आपको पता है गवर्नमेंट्स ने टेस्टिंग कम कर दी है, कल ही रिपोर्ट्स में देख रहा था, तो उससे वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप समझिए, आपको पहले तो चेन को ब्रेक करना है और आपकी जो बाकी सारी प्रिपरेशन है वो करना है। तो इनडिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, ये 100% श्योर है। मुझे नहीं पता ये किसका इंतजार कर रहे हैं। पॉइंट नंबर टू, कोऑर्डिनेशन का भी बहुत इश्यूज है कि एजेंसीज कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रही। आपको पता होगा नेशनल लेवल से बातें कही जा रही है, हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, बट सफिशिएंट आप इस तरह तैयारी नहीं कर सकते। अगर मान लो एक रोड पर आज 10,000 लोगों का ट्रैफिक है, अगर आप सोच रहे हो कि आने वाले 5 साल में हम बना देंगे 15,000 का, तो आने वाले 10 साल में वहां पे हो सकता है 50,000 व्हीकल हो, तो आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो? तो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू है। और पॉइंट नंबर थ्री, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको रियलाइजेशन धीरे धीरे आ रहा है। बिकॉज जैसा मैंने आपको हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया, यूनाइटेड स्टेट से एंथोनी फौजाई और हमारे जो एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, इनकी भी मीटिंग हो गई है। नाउ ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का भी इंक्लिनेशन आ रहा है, दे आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो ये लॉकडाउन आएगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ चेन को ब्रेक करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है इसको किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसको मैटर ऑफ ईगो जो जनरली फैमिली केसेस में हम देखते हैं वो बनाना भी नहीं चाहिए। आपके लोग बचेंगे, अगर आपके हाथ से चीजें निकल जाएगी तब आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो मैं यही कहूंगा गवर्नमेंट को अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से स्ट्रिक्टली 15-day, 20-day लॉकडाउन करना चाहिए। और उस दौरान जो वैक्सीनेशन पार्ट जैसा मैंने आपको बताया है, उसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। वैक्सीन का अरेंजमेंट हो जाएगा, आपके मेडिसिन इंजेक्शन, देखो रियल टाइम में आपको सुजल भाई बताऊं, जैसे हाईकोर्ट में भी जितने भी अभी टोटल 3 या 4 तारीखें लगी हैं, उसमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट जैसे एडवोकेट जनरल हमारे कमल त्रिवेदी सर कर रहे थे। देखिए किताबों में चीजें और कागजों पे चीजें बहुत अच्छी लग रही है, तारिया साहब ने इस चीज को नोटिस भी किया था। रियल टाइम आप जब जमीन पर जाएंगे ना, तो उनमें से ऐसा नहीं कहूंगा उसमें से कुछ नहीं है, बट आप समझ लो उस रेशियो में बिल्कुल नहीं है। और अगर उसका 50% भी है, तो जो 100% आप कागज पे बता रहे हो जब वो भी सफिशिएंट नहीं है, तो आप जस्ट इमेजिन करिए सिचुएशन क्या कितनी बदतर हो सकती है आने वाले समय में, जहां पे 6.5-7 करोड़ हम गुजरात में है और पूरे भारत में अगर आप हमारी पॉपुलेशन देखो। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज को समय पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो दुनिया हंसने के लिए टाइम नहीं लगाएगी, हम पे हंसेगी। तो मुझे ऐसा लगता है ईगो को साइड में रख के कोई भी गवर्नमेंट हो, और कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने वो चीज किया है, तो एटलीस्ट उस चीज को वो रोक नहीं पाए एटलीस्ट, बट स्टेबिलाइज हुआ है, उनका पैरेलल हो गया है ग्राफ जो हम वाई एक्सिस बनाते हैं, ताकि चीजें रुकी है। अगर चीजें रुक रही है तो वो अच्छी बात है, इसलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसे एक्सटेंड भी कर रही है। आपको पता होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 वीक का किया, उन्हें लगा अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो उन्होंने 1 वीक एक्सटेंड किया। तो 1 वीक करके भी आप देख सकते हो अगर कंट्रोल नहीं आ रही। और रहा सवाल जैसा कि आपको पता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, सुजल भाई आपको भी पता है, मैंने अगले इससे पहले भी जिस इंटरव्यू में बाइट दिया था, ये प्रैक्टिकल चीज है। ऑफकोर्स कोई भी गवर्नमेंट
135 करोड़ के लिए अस्पताल नहीं बना पाएगी। तो आपको दिमाग से और आपको सोच के लॉजिकल और रैशनल सोचना होगा। और जैसे बहुत सारे सजेशंस अच्छे आ रहे हैं, अभी आप गवर्नमेंट या अपोजिशन मत सोचिए, आपको अगर सिविल सोसाइटी भी कोई अगर अच्छा सुझाव दे रही है, कोई एनजीओ दे रही है, इंटरनेशनल अगर मीडिया से कोई सजेशन आ रहा है, तो अगर वो अच्छा है तो आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आपको अपनी जनता बचानी है। समझो ये वैसा दुश्मन नहीं है कि आप बंदूक लेके निकल जाएंगे और लड़ना शुरू कर देंगे, ये आपको कभी भी नहीं दिखेगा। तो रात के लॉकडाउन और दिन के लॉकडाउन का कोई सेंस नहीं बन रहा। अगर आप रियल टाइम देखेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है और वो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो रहा है। और इस इंक्लाइन को रोकने के लिए और बाकी सब तैयारी करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की जरूरत है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आपने मुझे सवाल किया, वो सही है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जुडिशियल जो ऑर्गन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसलिए शायद वो भी रीजन है कि कोर्ट, जैसे आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो डिसीजन लिया तो तुरंत ही गवर्नमेंट सामने चली गई कि भाई जुडिशियल कोर्ट्स का ये काम नहीं है, आप पॉलिसी मैटर्स पे कुछ मत बोलिए, ठीक है, तो और उसको स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो मुझे लगता है ये चीजें इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हमने भेजे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, उनको अपना ईगो, अपना जो एक एरोगेंस है, उसको साइड में रखना चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए। क्योंकि एसी में आपको और मेरे को नहीं पता चलेगा रियल टाइम प्रॉब्लम क्या है। मैं कई लोगों के लिए, आपको पता होगा, अभी मैं 2 घंटे पहले ही मैंने एक नई रिट पिटिशन फाइल करी जामनगर में, मैं डिटेल्स नहीं बता सकता, बट फाइल करी उनको, लोगों को लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर वहां भी नहीं मिल रहे, उनको बेड अवेलेबिलिटी नहीं है, बेड मिल रहे तो खाटला दे दे, और अगर ऑक्सीजन ना दे। मुख्यमंत्री ने वहां उद्घाटन किया है, फेता काटा है जामनगर का। और आज ही मैंने रिट पिटिशन, अभी मैंने 2 घंटे पहले मैंने एक्चुअली रिट पिटिशन फाइल किया। इसे नियति कहे क्या? यही तो नियति है, देख लीजिए। तो हाँ, तो देखिए जो कहते हैं ना, आश्वासन एक अच्छी चीज है, प्लानिंग एक अच्छी चीज है, बट अनलेस अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे वो भी गलत नहीं है, बट अगर उसे आप देख भी नहीं पा रहे, तो जो ह्यूमिलिटी कहते हैं वहीं से सारी बात शुरू होगी। पहले उसे मानो तो सही कि भय सामने खड़ा है। अगर आप उसे मान ही नहीं रहे हो तो आप कभी भी उस दुश्मन से लड़ नहीं पाओगे, और सिचुएशन दिन ब दिन, पल से पल खराब ही होती चली जाएगी। तो मेरा तो स्ट्रिक्ट मानना है, हालांकि काफी लाइक जैसे मैंने आपको बताया रिट पिटिशन जो हमारी चल रही है हाईकोर्ट में, तो उसमें काफी सीनियर एडवोकेट्स ये चीजें कह नहीं सकते, क्योंकि हाईकोर्ट में एक मर्यादा में हमें कहना पड़ता है, या कोई जो भी सीनियर एडवोकेट से। बट शालीन मेहता जो सीनियर एडवोकेट सर है, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि जरूरी है, हमारी जनता को आप नहीं समझा पाओगे, और ये बात सही भी है। जनता को बोल भी रहे हो आप, मार्केट में निकलिए, मैं निकलता हूं जब भी मेरे काम से मुझे निकलना होता है, जनता नहीं लगाती मास्क, मास्क लगता है तो यहां होगा या नहीं होगा, और उनको आप वो चीज नहीं समझा सकते। तो जब तक ये ऊपर से ऑर्डर क्लियर कट नहीं आएगा जैसा लास्ट ईयर आया था, तो मुझे नहीं लगता जनता मानने वाली है। और पॉइंट नंबर 2, जैसा एक पैनलिस्ट ने कहा, वो बात भी सही कही, और शायद आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, कि ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। कागज के ऊपर लॉकडाउन बता रहे हैं, कहीं जगह पे नाइट कर्फ्यू बता रहे हैं, दिन में भी बता रहे हैं जबकि दिन में नहीं है, और इस बहाने से काफी लाइक जो पब्लिक, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, वो भी गलत काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को या तो क्लियर यस हो या क्लियर नो हो, बीच वाले में लोग अलग तरीके से परेशान हो रहे हैं, ऑलरेडी वो बीमारी से तो जूझ ही रहे, और उनके फैमिली मेंबर्स आप देख ही रहे हो हर दिन कितनी डेथ्स हो रही है। तो मेरा भी मानना यही है कि लॉकडाउन एटलीस्ट जरूरी है, और अगर आपको लगता है तो उसे एक्सटेंड टाइम लू टाइम आप रिव्यू करके कर सकते हैं, और अभी ईगो वाली कोई बात लानी नहीं चाहिए किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी मिश्रा जी, आपका धन्यवाद। रावल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर मान लेते हैं कि सरकार कह रही है कि तालाबंदी वो आखिरी हथियार है, इस बात को मैं केंद्र में रखता हूं, सेंटर में रख के चलता हूं, ये सिंपल ही समझ लीजिएगा, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि अभी कोरोना का जो उफान है वो नियंत्रण के बाहर है, तो आप तालाबंदी नहीं कर रहे, कोरोना के सामने लड़ भी रहे हैं, तो आपके वेपन क्या होने चाहिए? तो आपके पास एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए। तो गुजरात की जो स्वास्थ्य सुविधा है और तालाबंदी में हम नहीं है, इन दोनों को देखकर क्या हम ये जानना चाहते आपसे कि वाकई जो सुविधा है वो पर्याप्त है कोरोना से लड़ने के लिए, और अगर नहीं है तो तालाबंदी क्यों नहीं? देखो, आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं स्टेप बाय स्टेप देना चाहूंगा, और मिश्रा जी की बात को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। फिर देखिए, मैंने आपकी पिछली डिबेट में भी ये बात कही थी कि आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे पास 2 सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है, अगर हुआ है तो शायद वो गलत तरीके से हुआ है, वो है एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर। चलो, एजुकेशन सेक्टर तो इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हेल्थ सेक्टर तो इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है।
हमारे पास इतनी हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे पास इतना मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और जो है वो काम करने के लिए तैयार भी नहीं है। क्योंकि देखो अभी हमारी सरकार ने यहाँ बोला कि भाई जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो पढ़ते हैं उनके लिए वो बॉन्ड है कि उनको 3 इयर्स या 4 इयर्स जो उनकी इंटर्नशिप है वो 3 इयर्स गवर्नमेंट में सर्विस करनी है, लेकिन वो लोग अपना बॉन्ड पे कर देते, गवर्नमेंट में सर्विस नहीं कर रहे। देखिये सुजल भाई, डेमोक्रेसी के जितने एडवांटेजेस है ना उतने डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे भी मिश्रा जी ने कहा ना, ईगो और एरोगेंस की बात है इलेक्टोरल पर्सन के लिए। देखो ये पॉलिटिशियंस के लिए ना ईगो होता है ना एरोगेंस होता है, ऐसा होता तो कल ये पक्ष दूसरा ये पक्ष नहीं होता। इनके लिए सबसे पहले हर डिसीजन लेने से पहले सबसे पहली जो चीज होती है वो होता है कि उसका पॉलिटिकल एडवांटेज क्या है। और हम देख रहे हैं अभी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि वो बता रहे थे कि लॉकडाउन होना चाहिए होना चाहिए, मैं भी उसी मत से हूँ कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन जब पहले वेव में हुआ था तब उसी लॉकडाउन को लेके कांग्रेस ने बहुत हल्ला भी बोला था, उसी लॉकडाउन को लेके कांग्रेस ने बहुत हल्ला बोला था। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। देखो मैं किसी की पैरवी या वकालत नहीं कर रहा हूँ, सरकार जो डर रही है ना लॉकडाउन से उसके पीछे सबसे पहली अगर कोई वजह है तो ना ईगो है ना एरोगेंस है ना कुछ है, एक ही है कि पॉलिटिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज को सोच के डिसीजन ले। ये मुझे भी पता है और हर किसी को पता है। अगर कोई ये बता रहा है कि इलेक्शंस खत्म हो गए अब लॉकडाउन हो जाएगा, वो बात भी गलत है। इलेक्शंस तो हर पार्टी ने इलेक्शंस को एंजॉय किया है, मैं ये वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ, लेकिन एंजॉय किया इन्होंने इलेक्शंस को, हर पार्टी ने किया है। हमारे राहुल जी ने भी इलेक्शंस खत्म होने के बाद रिजल्ट आने के बाद कल ट्वीट किया है या आज सुबह ट्वीट किया है कि लॉकडाउन ही एक हमारे पास वेपन है और दूसरा कोई वेपन नहीं। क्यों, राहुल जी को ये पता आज से 1 महीने पहले नहीं था कि लॉकडाउन ही हमारे पास वेपन है? बिल्कुल, लॉकडाउन आखिरी वेपन हो सकता है और अभी जो परिस्थिति है वो आखिरी वेपन यूज, अभी ब्रह्मास्त्र यूज करने की परिस्थिति में हुआ, वरना ये युद्ध हारोगे। ठीक है, देखो केंद्र सरकार जो है ना उसने हमारे वो गुजराती में एक है कि नरोवा कुंदरोवा वाली बात छोड़ दी है कि भाई स्टेट अपने आप डिसीजन ले सकता है। अब स्टेट को डिसीजन लेने की जब बात आती है तब क्या होता है आप देख लो, कोई भी स्टेट का सीएम या उसका मुख्य सचिव डिसीजन नहीं लेता है, वो स्टेट में जिस पक्ष की सरकार होती है वो पक्ष का जो मोड़ी मंडल दिल्ली में बैठा है वो डिसीजन लेता है कि स्टेट में हम क्या कर डिसीजन लेते। देखो कोविड का डिसीजन अगर पॉलिटिकल पार्टियों के मुख्यालयों से लिया जाएगा तो यही परिस्थिति आएगी। देखो हम लोग प्रिकॉशनली मेजरमेंट तो करे नहीं, हम लोग पहले वेव में भी 30 जनवरी को मुझे याद है सबसे पहला केस केरला में मिला था, लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन का सोचा कब, मार्च की 23 को। हम लोग इंतजार करते, हम क्यों, उसका भी रीजन था, बीच में फरवरी में हमारे सबसे आज तक के इतिहास के सबसे महंगे मेहमान आने वाले थे फरवरी में, आप सबको मालूम है, उनकी वजह से हम हाँ नहीं ना मैंने मैं खुल के नहीं ऊपर से बहुत अच्छा बोला हूँ जी जी जी, महंगे मेहमान थे आज तक के सबसे महंगे मेहमान है इंडिया को, उनकी कॉस्ट आज भी भुगतनी पड़ती है क्योंकि उनसे जो एडवांटेज लेना था उसके पहले तो वो चले गए घर पे धंधा करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, उनके पीछे जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको जो रिवॉर्ड लेना था उसके पहले तो वो खुद चले गए। ठीक है चलो वो तो बाकी बात है, लेकिन प्रिकॉशनली मेजरमेंट में हम लोग सोचने, देखो एक छोटे से बात से मैं एक ह्यूमरस बात है, इतना जो सेंसिटिव मामला है एक ह्यूमरस बात कर दो, हम सब जब पढ़ते थे ना हमारे साथ एक चीज हुई है कि समझ लो 15 दिन के बाद मैथ्स का पेपर है तो 15 दिन पहले एक दिन उठते हैं मैथ्स की बुक निकालते फिर खोल के सोचते कि अभी तो 15 दिन के बाद पेपर है ना, ठीक है सो जाते। हर रोज हम मैथ्स की बुक निकालते थे 15 दिन के बाद पेपर है सोच के सो जाते थे कल है। होता क्या था, मैथ्स का पेपर सुबह 9 बजे, सुबह 7 बजे हम मैथ्स की प्रिपरेशन शुरू करते थे, बस वही हालत आज पूरे भारत की बना के रख दी है। बिल्कुल, हम लोगों ने ये सोचा, हम लोगों ने जब दूसरे वेव में केसेस बढ़ने शुरू हुए मीडिया ने अपना रोल बहुत बेखूबी निभाया, और मीडिया से ज्यादा भी अगर किसी को सैल्यूट जाता है तो जुडिशियरी ने इस बार सबसे ज्यादा अच्छा रोल निभाया। मिश्रा जी देखो जुडिशियरी हमारे वहां पॉलिसी मेकिंग नहीं, लेकिन जुडिशियरी ने ये जो सुओ मोटो लिए और गुजरात ने सबसे पहले शुरुआत की और फिर हर हाईकोर्ट ने लिए, और
इससे फर्क क्या पड़ा? लोगों में जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन, हर स्टेट में हाईकोर्ट ने ये बोला ये बोला, उससे क्या होता था कि विरोध पक्ष, चिमन भाई कुछ भी बोले लेकिन विरोध पक्ष सरकार का विरोध उतना खुल के नहीं कर पाते। एक बात मैं बता दूं, विरोध पक्ष को जो काम करना था वो जुडिशियरी ने करके दिखाया। और पत्रकार कर रहे, हाँ पत्रकार तो बखूबी कर रहे, और पत्रकारों ने, मीडिया ने, जुडिशियरी ने, हर किसी ने पिछले एक महीने पहले से ये बात बतानी शुरू कर दी थी कि भाई ये जो दूसरा वेव है ये बिना लॉकडाउन के, देखो अब क्या हालत हुई। आप देखो कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है नियर अबाउट 14 डेज होता है। अगर हमने मार्च के एंड में जब ये बात शुरू हुई थी तभी अगर सिर्फ उस वक्त सिर्फ 7 दिन का लॉकडाउन होता तो चैन ब्रेक हो जाती थी। अब यह हालत है कि अब जो लॉकडाउन होगा ना वो कम से कम एक महीने का होगा तभी वो चैन ब्रेक कर पाएंगे। अब 7 दिन के लॉकडाउन से चैन ब्रेक नहीं होने वाली है, क्योंकि आप सोच लो अभी इतना स्प्रेड हो चुका है, अब ना आप ट्रेस कर पा रहे हो। अब हम जो परिस्थिति में उसमें आप ट्रेस नहीं कर पाओगे कि एक कोरोना पॉजिटिव है वो कितनों को मिला है, तो उन सबका इंक्यूबेशन पीरियड जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आप लॉकडाउन नहीं खोल पाओगे। बिल्कुल, तो जो चीज 7 दिन के लॉकडाउन में खत्म होने वाली थी वो एक महीने तक के खींच ली। चले ठीक है, एक 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 प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सरकार की अटकी हुई है तो सरकार के, बोलो 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 ले। सरकार के लिए अभी जो सबसे बड़ी चीज है जान और जहान दोनों में से एक चीज का निर्णय करना है। जान है तो जान है, और सरकार जो है वो जान है तो जहान है, लेकिन सरकार के लिए अभी तो क्या है कि जान या जहान दोनों में से किसको निर्णय ले वो सरकार के लिए कंफ्यूजन है। सरकार कंफ्यूज है, उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार है हर पॉलिटिकल पार्टी को सरकार को एकजुट के होकर बताना पड़ेगा कि अगर लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिकली हम लोग पीछे जाते हैं तो उसके लिए हम हल्ला नहीं करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका पॉलिटिकल एडवांटेज कोई विरोध पक्ष नहीं लेगा ये। हाँ, कोई विरोध पक्ष इस चीज का डिसएडवांटेज नहीं लेगा शासित पक्ष के सामने। ये बात अगर विरोध पक्ष उनके सामने साबित कर दे तो ही सरकार ये डिसीजन लेगी, वरना तो यही बात होगी कि हर स्टेट हर कलेक्टरेट अपनी परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन ले। चर्चा बहुत अच्छे मोड पे लाके रख दी है रावल ने, मितेश जी ने बहुत अच्छे मोड पे लाके चर्चा को रख दिया है। अब विपक्ष यहाँ मौजूद है, सरकार का कोई नुमाइंदा तो नहीं है, पर अगर विपक्ष है तो सीधा सवाल आप दोनों से ही हो जाता है विपक्ष कि अगर लॉकडाउन आता है तो उसे राजनीति में तब्दील न करके आप लोग सरकार को किस तरह से सहयोग करेंगे? चिमन भाई, पहले भी हमने तो बोला था और हमने लॉकडाउन के दरमियान लोगों का सहयोग नहीं किया, आपने पहले चरण में विरोध किया था, पहले चरण में विरोध हुआ है। चलिए वो छोड़ दीजिए, पुरानी बातें थी। नहीं, वो जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पहले दौर में जो हुआ था तो फिर सिर्फ जो जो थे संक्रमित लोग 500 लोग थे और आज कितने हैं वो भी देखना चाहिए। आज हम ही बोल रहे हैं कि भी लॉकडाउन करना चाहिए, क्यों? राहुल जी ने पहले भी संसद में बोला था कि भी जो आने वाला जो ये कोरोना है बहुत भयानक है, तब संसद में खिल्ली उड़ाई गई थी शासक पक्ष के द्वारा, वो भी नीतीश जी को याद होगा। अरे वो पुरानी बात है, नहीं बिल्कुल याद है, सबको याद होगा। पुरानी क्यों याद नहीं करना है भाई? अरे सुजल जी क्यों याद नहीं करना है? क्योंकि हमने पहले भी आगाह किया था कि वो आप मुद्दे से भटक रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आप मुद्दे से नहीं, वही मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ ना, मुद्दे पर सुजल जी का। चलिए चलिए चलिए, राहुल जी ने बारी बारी से चेतावनी दी थी, राहुल जी ने जो दूरदृष्टि बताई थी तो सरकार ने उसकी कभी मानी नहीं, और फिर बाद में हर बात में माननी पड़ी, हर बात उनको राहुल जी की बाद में माननी पड़ी। तो आज भी विपक्ष बोल रहा है तो सही बोल रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी इलेक्शन नहीं करने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने पहले भी बोला था, गांधीनगर के इलेक्शन के लिए भी बोला था, इसके बाद उन्होंने इलेक्शन बंद रखे है। हमने तो पहले ही बोला था कि इलेक्शन अभी नहीं होना चाहिए। तो हम तो बारी बारी जब हम सोचते हैं तो ह्यूमन बीइंग को ध्यान में रख के बोलते हैं, और बोला जा रहा है कि लास्ट वेपन है। तो अभी भाई आदमी की मौत से बढ़िया लास्ट चीज क्या हो सकती है? आप क्यों सोच रहे हैं? अभी आज लोग मर रहे हैं और आप बोल रहे हैं लास्ट, तो अभी लास्ट जो भी है, लास्ट वो फर्स्ट वो जो भी हो कर डालो, करना ही है, क्यों नहीं कर रहे? वो सवाल आज खड़ा है, क्योंकि आपका सहयोग है ना दिन में। हाँ सहयोग है, पूरा सहयोग है, हमने तो मांग भी की है कि लॉकडाउन करो। चलो, और राजस्थान में अभी लॉकडाउन है, राजस्थान में लॉकडाउन है, वो हमारी पहल भी है। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी एक विपक्ष और भी हमारे राज्य में आ गया है तो उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नितिन जी क्या कहते हैं? नहीं,
होना चाहिए। मैं आपको जो बात मितेश भाई ने बताई, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इकोनॉमी गिर गई है और इसी परिस्थिति में है तो अपोज करे वो भी गलत है, क्योंकि खाली पॉलिटिकल पार्टी अपना वो सीधा नहीं करती। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे सोचनी चाहिए, कोविड टास्क फोर्स बनी है, उसके लिए मैं पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी यहाँ जब पहली वेव आई उसी टाइम पे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो गया था, और उसी के बदौलत क्योंकि पूरे विश्व में वो डंका बचा रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, चलो वो किया था उन्होंने कि गुजरात मतलब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, उससे काफी दिक्कतें आई थी, पर कहीं ना कहीं हम कोविड को फैलने से रोका था। लेकिन जब इसी चीज का वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद वो एकदम खुले हो गए, मतलब बंगाल में इलेक्शन, यहाँ इलेक्शन, वहां इलेक्शन, और अरे नितिन भाई वो सब पुरानी बात है, मेरा सवाल आप समझे नहीं, मैं क्या, हाँ चलिए बोल लीजिए बोल लीजिए, मैं अन्याय नहीं करता किसी से, बोलिए। जो जो इमरजेंसी टास्क फोर्स बोलते हैं, कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग 3 महीने तक नहीं हुई है। अगर अपने देश के अंदर इतनी भयंकर जो बीमारी फैली हुई थी, उसकी आने वाली लहर है, सब बता रहे हैं उसकी मीटिंग होनी चाहिए, अभी वो 24 घंटे उसकी मीटिंग हो रही है, तो वो 3 महीने तक नहीं हुई थी, मतलब कहीं ना कहीं ये नाकामी है। तो अभी इकोनॉमी डाउन हो ग्रेड हो ये जनता के हित में नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जनता को झीला मतलब पब्लिक को जीने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, इसीलिए हम बोलते हैं कि लॉकडाउन चाहिए, और दिल्ली में तो हो गया है कब से, पर हम इसीलिए बोल रहे हैं, हम इसी चीज में कोई अपोज नहीं करेंगे, पर करो लॉकडाउन करो जरूरी है। ठीक है जी, धन्यवाद मिश्रा जी और राहुल साहब, मैं आपसे आप लोगों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर मुझे चर्चा को विराम भी देना है। अगर ये लॉकडाउन आता है तो एक सवाल सरकार का तो वाजिद है कि जो छोटे मजदूर है, ऑटो रिक्शा वाले है या पेडल रिक्शा वाले है, उन लोगों की एक समस्या आती है, तो एक सुझाव आप दोनों की ओर से एक मिनट में सरकार को, जो आपके सुझाव सरकार को निर्भय बना सके और वो पुख्ता निर्णय लेने के लिए मजबूत हो जाए, तो उन लोगों के बारे में सरकार क्या सोच सकती है। पहले मैं रावल जी से शुरू करता हूँ, फिर मिश्रा जी आपके पास आता हूँ। रावल जी, मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके वहां मजदूर काम करते हैं, सबसे बड़ा जो लेबर है वो इंडस्ट्रियलिस्ट में है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे आना पड़ेगा लॉकडाउन के दरमियान, अपने मजदूरों को अपने वहां रख के उनका जो दिन आना है, उनके जो ये 15 दिन 20 दिन चलाने, उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। वैसे भी इंडस्ट्रीज के लिए एक CRS है, CSR है, ठीक है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात आती है कि वो लोअर ग्रुप जो बाजार में फेरी लगाते या रिक्शा चलाते, वो उनके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशन एरिया में कॉर्पोरेट, देखो ये पूरा किसी स्टेट गवर्नमेंट पे या पूरा केंद्र सरकार पे लोड डालने से अच्छा है कि हर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये पूरी जिम्मेवारी डिवाइड कर दी जाए। और उसके लिए सबसे पहले जरूरत, स्कीम देने से कुछ नहीं होगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन के पीछे एक अच्छी फोर्स बनानी पड़ेगी। हो सके तो एनजीओ को इन्वॉल्व करो, बहुत सारे एनजीओ ने फर्स्ट लॉकडाउन में अच्छा से काम किया है, हर घर पर पहुंचाया, अनाज पहुंचाया, सरकार ने भी पहुंचाया 5 किलो अनाज, ये सब हुआ है। लेकिन कोऑर्डिनेशन करके, ऐसा ना हो कि एक घर में 50 किलो इकट्ठा हो जाए और एक दो आदमी भूखे मर जाए, तो उसके लिए अच्छी कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी और पूरा व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक बात कह के मैं मेरी बात को विराम दूंगा, देखो लॉकडाउन क्यों जरूरी है, तो भाई प्रताप और अकबर जिंदा रहेंगे तो दिल्ली और मेवाड़ फिर बस जाएगी, इतना समझ लो, और उसके लिए लॉकडाउन ही रास्ता है। प्रताप और अकबर को जिंदा रहना है, मेवाड़ दिल्ली तो बसती रहे। क्या बात है, दूसरा बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत अच्छी बात कह दी, धन्यवाद मितेश। हाँ मिश्रा जी, मैं रावल जी की बात को आगे एक्सटेंड कर दूं, काफी बात उन्होंने कह दी उसके साथ, लाइक काफी स्टेट्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि 2 महीने का लाइक आप अगर मॉनेटरी अमाउंट दे सकते हैं प्लस या तो उनको जो भी उनके लाइवलीहुड में जो दिक्कत है लोअर टायर पे वो कर सकते हैं। अब मैं खाली एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स में सिर्फ एक बात कह दूं, जो लॉकडाउन लास्ट ईयर था और जो लॉकडाउन इस बार हम जो जनता मांग रही है या जो सिचुएशन बनी है, वो दोनों में एक फर्क है जो जनता को और गवर्नमेंट को समझना चाहिए। लास्ट ईयर लॉकडाउन जब हमारे प्रधानमंत्री ने किया था वो वायरस को समझने के लिए, सोजल भाई आपको पता होगा, जस्ट थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, RNA का मल्टीप्लीकेशन अगर सोचो ये चीजें बढ़ जाएंगी
तो वायरस का जो बेसिक बायोलॉजी अगर आप देखोगे तो जैसा कि लोग बता रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग पे अभी फिलहाल फोकस, वो चालू है, पैरेलल एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि उस चीज को हम रातों रात गियर अप कर लेंगे क्योंकि दूसरी सारी समस्याएं हैं। तो लास्ट ईयर जो लॉकडाउन था वो वायरस को समझने के लिए है, तो वो उस प्लानिंग का पार्ट था। और इस बार जो लॉकडाउन होगा या डिमांड कर रही है जनता, वो इसलिए कर रही है कि लॉकडाउन इस बार समझने के लिए नहीं, इस बार हमारी तैयारी के लिए, क्योंकि अब हमारे पास वैक्सीन का एक ऑप्शन अवेलेबल है। जैसा आपको पता है सेरम इंस्टीट्यूट के जो आदर पूना वाला है कि वैक्सीन की प्रॉब्लम हमारी जुलाई तक बनी रहने वाली है, तो एक से डेढ़ महीने का लॉकडाउन हो जाए, उसमें गवर्नमेंट सब लोगों का ख्याल रख ले ताकि हमारे पास वैक्सीन की जो जितना भी हमको एक्युमुलेशन करना है वो हम कर सके और लोगों को दे सके। और एक बार जैसे ही आपके 50% आपकी पॉपुलेशन को अगर आप वैक्सीनेशन करवा देते हैं, तो आप जैसा अमेरिका और बाकी कंट्रीज में देख पा रहे हैं कि काफी इसका जो इम्पैक्ट है कोरोना का वो काफी कम हो जाता है। तो ये जो लॉकडाउन जो डिमांड किया जा रहा है जनता के द्वारा या हाईकोर्ट भी इसको ऑब्जर्व कर रही है, वो इसलिए किया जा रहा है ताकि आप तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। और ये आखिरी होगा, एक बार वैक्सीनेशन हो गया तो आपको भी पता है कि बहुत कम परसेंटेज है कि लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, नेचर चेंज हो रहा है, बट विथ टाइम फिर वो आप मार्केट को ओपन करके रिकवरी करवा सकते हैं। तो इसलिए इसको ये ना समझे कि इससे इकोनॉमी गिर जाएगी। आपको भी पता है अभी फिलहाल हर स्टेट की इकोनॉमी गिरी पड़ी है, पूरे देश की गिरी पड़ी है। तो अभी कोई, और जस्ट बिकॉज अपोजिशन उस चीज को ना बोले, जैसे राहुल जी से ये पॉइंट पे मैं डिसएग्री करूंगा, अपोजिशन के लिए आपको नहीं चुना गया था, अपोजिशन को छोड़ो, अभी जो लॉजिकल है उसे फॉलो करने की बात है, अदरवाइज लोग सफर कर रहे हैं। और ये आप भी जानते हैं सुजल जी और भी जानता हूं, और कोर्ट्स भी इन चीजों को देख रही हैं। जी जी, तो चर्चा को विराम देना है। चिमन भाई, नितिन भाई, मितेश और खास तौर पे एडवोकेट मिश्रा साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप मेरी चर्चा में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी चर्चा लॉकडाउन के ऊपर की। लॉकडाउन आएगा नहीं आएगा, हमारे पर तालाबंदी ठोकी जाएगी कि नहीं ठोकी जाएगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि तालाबंदी वाकई पीड़ादायक होती है, पूरी आर्थिक गतिविधियां रुक जाती है, एक दिन निकालना आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल पाता। मेरी और आपको भी दिक्कत हो सकती है, तो आप सोचिए कि रोज जो कमा के खाते उन पे क्या होगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि तालाबंदी एक आखिरी हथियार है, और जिन परिस्थितियों में से हम आज गुजर रहे वो क्या इसे भयावह होते हुए हमें देखना है, ये उन्हीं परिस्थितियों में से एक है जब हमें हमारा ब्रह्मास्त्र यानी आखिरी हथियार उठाना है, और उठाएगा कौन, तो हमारी सरकारें उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ये आखिरी हथियार कब और कैसे उठाना है उसका तत्काल निर्णय ले, और निर्णय लेने से पहले वो निर्भय हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, और गुजरात की जनता को मौत के मुंह में से जाने से रोक ले। ऐसी चर्चा लेके आपके पास आऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो शेयर